तो दोस्तों आप भी अपने YouTube के लिए एक अच्छा मस्त बैनर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मात्र 2 मिनट में अपना YouTube का बैनर बना सकते हैं। सिर्फ एक ऐप्स की जरूरत होगी, वो है दोस्तों आपका पिक्सल ऐप। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पिक्सल ऐप पर, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आप बाद के भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन। तो दोस्तों आपका कुछ पिक्सल ऐप इस प्रकार का खुलकर आएगा, तो दोस्तों उसको आपको नो टैक्स को दोस्तों यहां से आपको डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार। अब आपको करना क्या है, यहां 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इमेज साइज सिलेक्ट कर लेना है। तो इमेज साइज सिलेक्ट करने के लिए यहां पर आपको यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हो गया। अब आपको कलर करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर स्कोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर चला जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लैक कलर को कुछ इस प्रकार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ये प्लस वाले आइकन को कुछ क्लिक करके और अपनी गैलरी पर चला जाना है। गैलरी पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक PNG को ले लेना है, इस वाली PNG को यहाँ से ले लेना है और दोस्तों आपको यहाँ पर इसको इसी प्रकार रखना है और दोस्तों आपको यहाँ पर बीच वाले आइकन को क्लिक कर देना है और दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ यहाँ इस वाले ऑप्शन पर चला जाना है शैडो वाले पर। तो दोस्तों कुछ इसे कुछ इस प्रकार खींच कर देना है और यहाँ पर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक एडजस्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर, तो इसे कलर कुछ इस प्रकार कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इसका कलर कुछ इस प्रकार हो चुका है और दोस्तों आपका ये फ्रेम कुछ इस प्रकार चमकने लगा, जिससे आप इसको मस्त तरीके से बना सकते हैं या कंप्यूटर के लिए या मोबाइल के लिए किसी प्रकार के लिए दोस्तों आप इसे बना सकते हैं। प्लस वाले आइकन को क्लिक करके कुछ गैलरी पर चला जाना है फिर से। तो दोस्तों आपको गैलरी पर जाने के बाद कुछ यहाँ से इस इमेज को ले लेना है। तो दोस्तों ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कुछ सही वाले ऑप्शन पर मार देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने कंप्यूटर या मोबाइल किसी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन को कुछ आपको यहाँ पर खींच कर बड़ा कर लेना है कुछ इस प्रकार। इसे करने के बाद दोस्तों जो आपको ये लक्की दिखाती है इसी के बराबर में रखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टू बैक वाले ऑप्शन पर चला जाना है कुछ इस प्रकार। अब दोस्तों आपको कहाँ पर जाना है, अब आपको कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कलर कर लेना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर जाने के बाद कलर को एडजस्ट कर लेना है, तो येल्लो कलर कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको येल्लो कलर कर लेना है। दोस्तों इसे कुछ लॉक कर देना है जिससे ये PNG किसी भी हिस्से लंग को किसी हाले या ढोले नहीं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ एक PNG लेने हैं कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों इसे लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, दोस्तों ये PNG लेने के बाद कुछ आपको रोटर वाले ऑप्शन पर चला जाना है और यहाँ से कुछ इस PNG को कुछ इस प्रकार कर लेना है कुछ इस प्रकार करके यहाँ पर एडजस्ट। तो दोस्तों इसको आपको कुछ यहाँ पर पीछे की ओर को हटा लेना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर सही करने के बाद दोस्तों अब आपको टू बैक वाले ऑप्शन पर चला जाना है यहाँ से कुछ टू बैक। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो गया। अब इसको भी आपको लॉक कर देना है यहाँ से। लॉक करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको फिर से गैलरी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से गैलरी में चले जाना है और दोस्तों अपने यूट्यूब की आपको PNG ले लेना है, जो दोस्तों आप अपनी यूट्यूब की PNG लगाते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी ये वाली PNG को लगाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार अपनी PNG को ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार करके यहाँ पर कुछ इसे एडजस्ट कर देता है कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों इसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ छोटा करके कुछ यहाँ पर कुछ इस लोगों को आपको यहाँ पर लगा देना है कुछ इस प्रकार। इसे लगाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ से आपको शैडो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ इसे शैड कर देना है कुछ इस प्रकार करके, जिससे आपका ये शैड मस्त लगने लगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको इस प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है और आपको टैक्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर 2 बार टैप करना है। दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार आ गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना YouTube का
जो आपका नेम है उसको लिख लेना है। तो दोस्तों मैं अपने YouTube का नेम लिख लेता हूँ कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों मैंने अपने YouTube का नेम लिख लिया शोभेंद्र टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला PNG कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉन्ट वाले बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आपको किसी भी तरीके का आप फॉन्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा, स्टाइल तो दोस्तों आपको यहाँ पर वी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार यहाँ पर वी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपका ये हो चुका है। और दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधी जाने के बाद आपको कुछ इसका कलर करना है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ कुछ कलर वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों कुछ हम टेक्स्ट को कुछ यहाँ पर टेक्स्ट को तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हम इसे येल्लो कलर कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कुछ इसे येल्लो कलर कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी मस्त हमारा नेम लगने लगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको फिर से गैलरी वाले ऑप्शन पर चला जाना है। आने के बाद दोस्तों कुछ आपको यहाँ पर ये PNG को ले लेना है और यहाँ पर कुछ सेट कर देना है। तो दोस्तों इसको कुछ छोटा करके हम यहाँ पर कुछ इसको सेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कुछ इसे इस प्रकार कर देते हैं। और आपको अब क्या करना होगा दोस्तों, इसका भी आपको कलर करना होगा। तो दोस्तों हम इसको कलर कर लेते हैं कुछ कलर कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कलर कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको वाइट कलर लेते हैं कुछ इसका कलर। तो देख सकते हैं कुछ वाइट कलर का। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमने ये वाइट कलर कर लिया। अब दोस्तों इसको भी आपको लॉक वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से इसको भी सभी को लॉक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाकर कुछ और भी टेक्स्ट में लिख देना है। यहाँ पर दो बार क्लिक करके लिखने के बाद कुछ ओके वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इसको यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको फिर से गैलरी वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से फिर से गैलरी पर चले जाना है। गैलरी पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको यूट्यूब लोगो ले लेना है कुछ इस प्रकार। इसे लेने के बाद कुछ यहाँ पर आपको छोटा करके कुछ इस PNG को आपको यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर देना है, कुछ यहाँ पर लगा देना है कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों इसको भी आपको सैड करना है। तो सैडो वाले ऑप्शन पर चलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी सैड कर देते हैं कुछ इस प्रकार करके, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इसको भी आपने सैड कर दिया। अब दोस्तों इसको भी आपको लॉक कर देना है कुछ इस प्रकार। अब इतना होने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फिर से गैलरी पर जाना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके गैलरी पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक PNG मिल जाएगी ये वाली। तो दोस्तों आपको ये भी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी कुछ छोटा करके कुछ यहाँ पर इसे लगा सकते हैं अपनी। तो दोस्तों इसका भी आपको कलर कर देना है। तो दोस्तों मैं कर देता हूँ इसका कलर। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ रेड कलर कर दिया है। तो दोस्तों कितना मस्त लगने लगा यहाँ पर, इसको भी हम कुछ इस प्रकार कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार लग गया। अब दोस्तों इसको आपको करना क्या होगा, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कुछ इस प्रकार इसी भी हिस्से को कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार करके, यहाँ पर आपको ये एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये हमारा हो चुका है। और आपको क्या करना है, इसको भी लॉक कर देना है। इस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से गैलरी पर चला जाना है। गैलरी पर जाने के बाद आपको यहाँ से एक PNG को ले लेना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार इस PNG को ले लेना है और इसको कुछ इस प्रकार सेड कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ कितना मस्त लगने लगा। दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड हम ऐसे कॉन्टेंट यहाँ पर बनाते रहते हैं, आपके लिए कुछ नए नए लाते रहते हैं। क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज पर चला जाना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर
क्लिक करके कुछ अल्ट्रा वाले ऑप्शन पर चला जाना है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसे सेव कर लेना है दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको गैलरी पर मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।